हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इवनिंग का टाइम हो चुका है तो मैं जो डिनर है उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं लगा रही हूँ आटा और अब फिलहाल मैं राइस जो है वो मैं बना रही हूँ। हमारे घर में जो डिनर है बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब इवनिंग में एकदम शाम को ही तैयार होने लगता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी वजह से जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना पड़ता है, नहीं तो सो जाते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड जो डिनर है वो बन के रेडी हो चुका और हमने डिनर कर भी लिया है। मैंने रोटी और चावल बनाया था और आज फिश बनी थी तो वो मेरी जेठानी जी ने बनाया है, क्योंकि नॉनवेज वही बनाती है। जब भी नॉनवेज कुछ भी बनता है तो मेरी जेठानी जी बनाती, मैं तो नहीं बनाती हूँ। मुझे जैसे पूजा वगैरह करनी होती है तो मैं नॉनवेज वगैरह नहीं बनाती हूँ, मेरी जेठानी जी बनाती हैं। और हमने जो डिनर है वो कर भी लिया है सबने, तो अब हम लोग सोने की तैयारी में। तो उससे पहले ये ऑयल मसाज जब वो कर लेते हैं हम लोग, तो मैं अपने हस्बैंड को ऑयल लगा रही हूँ। उन्होंने अपने जो सारे बाल हैं उस पर उस तरह फिरवा रखा है, थोड़ा मतलब उनके बाल झड़ रहे थे तो इस वजह से मैंने उनके लिए जो ऑनियन ऑयल होता है वो होममेड जो होता है वो मैंने रेडी किया है, तो मेरे हस्बैंड के वही मैं लगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा मैं सारे बाल एक बार उस तरह फिरवा लेता हूँ फिर लगाना, तो उन्होंने सारे बालों को उस तरह फिरवा रखा। वो ऐसे रखती है ना आप, ठीक है? तो गाइस जब भी मैंने इनके लगाया था वो ऑनियन ऑयल था, इनको लगाया मैंने, और अब ये लगा रहे हैं बादाम का तेल। आपको मैंने पहले भी बताया ना कि मेरे सिर में दर्द होता है इसीलिए, और इसी वजह से थोड़ा सा कैमरा मूव कर रहा है मेरा, ये हिला रहे हैं। तो बस ये थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे। तो गाइस बताइएगा कि आज का मेरा जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। है ना, आप भी बोल दो गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।